देखो आज वही पद पर ये देखना कि जैसे जननी जो है माँ के आंचल से, जननी के आंचल से एक बच्चा 6 महीने तक वो बिना किसी अन्न द्रव्य पदार्थ के जीवित रहता है ना। 6 महीने के बाद अन्न प्राशन होता है। इसका मतलब जननी के आंचल में वो आहार है, जननी के आंचल में वो जीवन शक्ति है। अब एक शिशु जिस प्रकार 6 महीने तक जननी के आंचल से बाहर का कोई द्रव्य पदार्थ अन्न नहीं लेता, 6 महीने तक जीवित रहता है। यदि जननी के आंचल से शिशु 6 महीने तक जीवित रह सकता है, वही हम तुम्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गंगा यमुना और नर्मदा के आंचल में हम जीवन भर ऐसे चल सकते हैं। देखो हमारा कुछ नहीं होता है, और हम ज्ञान और विज्ञान ऐसा नहीं कि हम छिपा हो, नहीं नहीं, जो अपना हमारा जीवन ही चीज है। इस आंचल में वो समर्थता है कि जीवन पर्यंत यदि हमें कुछ नहीं मिलेगा तब भी तुम इसी पद पर प्रमाणिकता देख लो। आज ज्ञान और विज्ञान भी उस पे नतमस्तक है कि इस पथ, जिस पथ पर हम खड़े हुए हैं, इस यमुना मैया के आंचल में, गंगा के आंचल में, नर्मदा के आंचल में असाधारण शक्ति है कि हमें कुछ भी प्राप्त ना हो। और यदि हमारा माँ का आंचल स्वच्छ है और माँ का आंचल यदि हमारे पास में है और माँ की निकटता है, तो हम जीवन को जी सकते हैं। इसकी प्रमाणिकता देख लो। हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे, हमने जीकर जितना हमने जिया है, हम सिर्फ गांव को, घर को उतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस आंचल की समर्थता कुछ तो बात होगी कि वो परमात्मा और ईश्वर इन्हीं तट और पथ पर युग और सदी में आता है। गुरु गोविंद इसी पथ का पथिक बनता है। कोई बात तो होगी गंगा में, कोई बात तो होगी यमुना जी में, कोई बात तो होगी गोदावरी कावेरी में। आज वक्त है कि जितना बेहतर हम माँ के आंचल को हम स्वच्छ रखेंगे, और स्वच्छता और पवित्रता के लिए, और इस माटी के लिए, जिस माटी को कहते वो ठाकुर ने खाया ना, ठाकुर ने माखन मिश्री खाने वाले ने क्या खाया बेटा? यमुना के तट की मिट्टी खाई। क्यों खाई पता है? क्यों खाई? यमुना की मैया के तट पर ठाकुर जी ने मिट्टी खाई ना, खाई ना।